मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूँ, उस काम में लगा हूँ, उस काम में लगा हूँ। जी नहीं, जरूर करें, बस ये चेतना के साथ करें, ध्यान के साथ करें कि हमारा वोट कितना कीमती है। आपका एक वोट किसी को 6,14,000 करोड़ रुपए लूटने का लाइसेंस दे देता है, इसको ध्यान रखें। हम हमारे वोट का इस्तेमाल करते हुए ये ध्यान नहीं रखते, हम चुपचाप जाते हैं और बिना किसी कदर के देके चले आते हैं, सोचते नहीं, विचारते नहीं कि जिस व्यक्ति को हमने दिया है वो इस लायक है भी या नहीं भी। चूंकि हम ये विचार नहीं करते, इसलिए गुंडे, बदमाश, चोर, उचक्के, लुच्चे, लफंगे, मवाली जीत के पार्लियामेंट में पहुंच जाते हैं। बड़े बड़े हिस्ट्री शीटर पार्लियामेंट में पहुंचे हुए, जिनके ऊपर बलात्कार के मुकदमे चल रहे हैं, मर्डर के केस चल रहे हैं, वो पार्लियामेंट में पहुंचे हुए। ये हमारी बेकदरी का नतीजा है। तो हम ध्यान रखें वोट देते समय कि ये कितना कीमती है, मेरा ये कहने का मतलब है। आप वोट जरूर करें, बिना वोट करें नहीं रहें, लेकिन जिसको वोट दे रहे हैं वो आपके वोट का पात्र है या नहीं, इसको जरूर ध्यान में रखें। उसका चरित्र कैसा है, चाल चलन कैसा है, देशभक्ति कितनी है, राष्ट्रभक्ति कितनी है, किस लिए वो जा रहा है संसद और विधानसभा में, ये सब चीज़ें आपकी ध्यान में होनी चाहिए। उनको देखकर वोट करें। और मैं आपसे स्पष्ट कहना चाहता हूँ, खुल के, पार्टी को कभी भी वोट ना करें, प्रत्याशी को वोट करें। हमारे यहाँ क्या होता है ना, पार्टी एक साथ टिकट बांट देती है चोर, उचक्के, लुच्चे, लफंगे, गुंडों को, और एक पार्टी ने गुंडों को दिया, दूसरी उससे बड़े गुंडे को देती है, क्योंकि गुंडा ही गुंडे को टक्कर दे सकता है, ये उनके तर्क है, कुतर्क है। हाँ, व्यक्ति को वोट दें, हाँ, तो तीसरा अपना खड़ा करें। अगर आपके यहाँ ऐसी मजबूरी आ जाए कि दो गुंडे हैं बड़े बड़े, तो तीसरा अपना प्रत्याशी खड़ा करें, ये मेरा कहना। जो चरित्रवान है, जो आपके वोट की कदर कर सकता है, जो देश और समाज के लिए काम कर सकता है, उसको आप खड़ा करें और जिता के विधानसभा या लोकसभा में पहुंचाएं। पार्टियों के खड़े किए हों को हराएं, ध्वस्त करें, क्योंकि पार्टियां कई बार इतने घमंड और गुरूर में होती हैं, वो क्या सोचते हैं, हमने खड़ा कर दिया, जीतने ही वाला है, अभी इनका ये घमंड तो तोड़ ही देना है कि तुमने खड़ा किया हुआ हमेशा जीतेगा, गारंटी नहीं है, लोगों ने खड़ा किया हुआ भी जीत सकता है। और ऐसा मध्य प्रदेश में हुआ है, मुझे सुनाई दिया, रतलाम में हुआ है, बड़े बड़े दिग्गजों को धराशायी कर दिया लोगों ने। तो अगर ये एक जगह हो सकता है तो सब जगह होना चाहिए। ये चुनाव में खड़े होने वाले प्रत्याशियों को बड़ा घमंड है, बड़ा गुरूर है कि मैं तो जीत के ही आने वाला हूँ, मुझे कौन हराने वाला है, मैंने यहाँ मैनेज किया है, मैंने वहाँ में, इनका घमंड और गुरूर तो टूटना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये बहुत खतरनाक होता है। यही घमंड और गुरूर पूरे देश को इमरजेंसी तक लेके चला जाता है, जिसमें सारे अधिकार लोगों के ख़त्म करने पड़ते हैं। यही घमंड हो गया था श्रीमती गांधी को कि मेरी सत्ता को कौन चुनौती दे सकता, मैं तो सर्वे सर्वा इस देश की। और वो काले दिन उन्होंने दिखाए इस देश को, जो भगवान न करे दोबारा देखने पड़े। इसी देश की जनता ने उनका घमंड तोड़ा था, गुरूर तोड़ा था। जो गांधी, श्रीमती गांधी हारती नहीं थी कहीं से चुनाव, उनको पानी पिला दिया था, उनकी जमानत जब्त हो गई थी इस देश में, आपको मालूम है। तो इस देश की जनता में उतनी चेतना और उतना विश्वास हमेशा रहना चाहिए कि कोई सिर चढ़ के ना बैठ जाए। वो आपका प्रतिनिधि है, मालिक नहीं है, वो आपका सेवक है, नौकर है, वो मास्टर नहीं है इस देश का, उसको उसकी जगह दिखा के रखो। हमने इनको बहुत ज़्यादा सिर चढ़ा लिया है, अपने जनप्रतिनिधियों को, हर बड़े छोटे काम में हम लेके पहुंच जाते हैं, आओ नेताजी, आओ नेताजी, हमारा ये उद्घाटन, हमारा वो, क्या दिमाग खराब कर रखा है आपने। वो इस काम के लिए थोड़ी है जो आपका उद्घाटन करते फिर हैं, वो कानून बनाने के लिए भेजे गए हैं विधायिका में, लोकसभा में, वही काम करने देना चाहिए। हरी झंडी हिला रहे हैं जैसे कोई गार्ड खड़ा हो गया, ट्रेन का उद्घाटन, इसका उद्घाटन, कहीं मृत्यु देने वाला जो शमशान है वहां भी उद्घाटन करने पहुंच जाते हैं, नल का उद्घाटन, मैंने मजाक बना दिया पूरी लोकसभा, पूरी विधानसभा को, हर छोटे बड़े काम में होटल का उद्घाटन करने पहुंच गए किसी, कहीं किए, क्यों दिमाग खराब किया। हमारे पास क्या विद्वानों की कमी हो गई है जो उद्घाटन करने को हमें नहीं मिलते, या हमारे पास अच्छे लोगों की कोई कमी हो गई है। अपने जीवन में थोड़े परिवर्तन लाइए, इनको इनकी जगह रहने दीजिए।
देखिए पॉलिटिक्स बहुत जरूरी है, लेकिन कितनी जरूरी है, एक मेरा सूत्र है, इस पर आप हंसिए मत, चिंतन करिए, विचार करिए। हमारा पूरा घर होता है ना, उसमें एक टॉयलेट होता है, एक टॉयलेट के बराबर पूरी पॉलिटिक्स है, बस वो पूरा घर नहीं है। टॉयलेट में जाते हैं क्योंकि बिना जाए काम नहीं चलता, उतना ही है पॉलिटिक्स, इससे ज्यादा नहीं है। हमने इसको पूरा घर बना दिया है, हमारे घर का पूजा घर, हमारे घर का रसोई घर, हमारे घर का ड्राइंग, सब पॉलिटिक्स 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 कर दिया, माने समाज के हर अंग में इसको फैला दिया, ये गड़बड़ हो गई है, इससे संतुलन टूट गया हमारा, विचार करने का, आचरण करने का, इस संतुलन को वापस लाने की जरूरत है। पॉलिटिक्स आपके जीवन का छोटा सा हिस्सा है, शायद 5%, 10%, बहुत अधिक तो 15%, उसको उतना ही रखिए, पूरा जीवन उसमें आपका डूब जाए ऐसा मत करिए। समाज में उसके अलावा भी बहुत कुछ है करने के लिए और करवाने के लिए।